ज्वालामुखी भाजपा मंडल अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद फतेहपुर भाजपा मंडल के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी भाजपा बंटी हुई दिखी। राजा का तालाब में हुए मंडल अध्यक्ष पद के चुनाव में काफी गहमा गहमी रही। कुछ देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण रहा और नौबत धक्का मुक्की तक आ गई थी। ज्वालामुखी भाजपा मंडल अध्यक्ष चुनाव के दौरान जमकर हो हल्ला और नारेबाजी हुई। बीजेपी मंडल फतेहपुर अध्यक्ष पद पर करतार पठानिया के नाम की घोषणा के बाद ये शोर शराबा शुरू हुआ। दूसरे धड़े ने चुनाव का विरोध करते हुए बैठक में हो हल्ला शुरू किया। भाजपा मंडल फतेहपुर का चुनाव चुनाव प्रभारी अमित ठाकुर की अध्यक्षता में हुआ। चुनाव प्रभारी अमित ठाकुर ने बताया कि भाजपा मंडल फतेहपुर में अध्यक्ष पद के लिए करतार पठानिया, संजीव पप्पू और शक्ति पठानिया के नाम आए थे। उन्होंने कहा कि शक्ति पठानिया और संजीव पप्पू के नाम का किसी ने भी अनुमोदन नहीं किया, जिसके बाद करतार पठानिया के पक्ष में 85 बूथ अध्यक्षों ने अपना अनुमोदन रखा। इसके बाद करतार पठानिया को फतेहपुर भाजपा मंडल का अध्यक्ष घोषित किया गया। अमित ठाकुर ने कहा कि करतार पठानिया को अध्यक्ष पद पर चुने जाने की जानकारी आलाकमान को भेज दी गई है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में सभी मंडलों के चुनाव संपन्न हो रहे हैं, आज फतेहपुर मंडल का भी चुनाव यहाँ बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से और सर्वसम्मति से हुआ है। संगठन की पत्ती को ध्यान में रखते हुए और संगठन के सारे नियमों को फॉलो करते हुए जो हमने यहाँ पर नए मंडल के अध्यक्ष का मंडल के नए अध्यक्ष का चुनाव जो है वो कर लिया है। यहाँ लगभग 109 बूथ हैं, लेकिन लगभग 85 बूथों के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहे और तीन नाम मुख्यतः यहाँ पर मंडल अध्यक्ष के लिए आए, जिसमें करतार सिंह जी जो अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं मंडल के फतेहपुर मंडल के, उनका नाम था। उसके बाद शक्ति जी का नाम था और पप्पू जी का नाम था। लेकिन जब पूरी प्रक्रिया को चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में किया गया और उसको ऊपर जब संगठन के नियमों को के अनुसार उसको जब किया गया तो उसमें दो नाम थे, पप्पू जी और शक्ति जी का। उसमें वो ना ही किसी बूथ के अध्यक्ष ने उनका नाम प्रपोज किया और ना ही उसका ना प्रस्तावित किया ना ही अनुमोदित किया। उसके बाद हमारे पास एक ही नाम बचा और सभी कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ अध्यक्षों के साथ, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ, सभी मोर्चों, सभी प्रकोष्ठों, सभी पन्ना प्रमुखों के साथ जब वहाँ पर बातचीत हुई और जब अंत में एक निर्णय आया, सभी ने अपना एक सर्वसम्मति से करतार जी के नाम पर सहमति जताई और आज हम सर्वसम्मति से फतेहपुर मंडल का अध्यक्ष करतार सिंह जी को बनाने की मैं ऐसी घोषणा करता हूँ। वहीं नव निर्वाचित मंडल अध्यक्ष करतार पठानिया ने कहा कि पार्टी और भाजपा फतेहपुर ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है उसे वो बखूबी निभाएंगे। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार ने कहा कि करतार पठानिया के अलावा जो नाम आए थे उनके नाम का अनुमोदन करने वाला कोई बूथ अध्यक्ष नहीं था। उन्हें मालूम था कि वो जीत नहीं सकेंगे, इसलिए ये लोग सिर्फ हुल्लड़बाजी करने आए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कांगड़ा जिला के एक बड़े नेता के इशारे पर हुआ है कि जो तीन नाम आए थे उनको अनुमोदन करने वाला और प्रपोज करने वाला कोई भी पोलिंग बूथ अध्यक्ष नहीं था। उनको पहले ही पता था कि उनके पास ना कोई पोलिंग बूथ अध्यक्ष है, वो चुनाव नहीं जीतेंगे। वो सिर्फ चुनाव में हुल्लड़बाजी करने के लिए आए थे और किसी हमारे पड़ोसी कांगड़ा जिला के एक बड़े नेता के इशारे पे ये सारी गड़बड़ हुई है। सर कौन हो सकता है वो नेता? बता देंगे। नहीं सर, फिर भी मतलब पार्टी से बात करेंगे। नहीं मतलब इसका मतलब ये कि पार्टी के बीच में ये बगावत चल रही है? नहीं, बगावत नहीं, ये एक तरह से पार्टी के कार्यक्रम को सेबोटाइज करने की कोशिश की है। कौन लोग हैं ये? ये वही लोग हैं जो पैरेलल पोलिंग बूथ चला रहे थे, पैरेलल मंडल चला रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने असेंबली में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब पार्टी के अंदर आके भी ये पार्टी पे ढंग से बैठना नहीं चाह रहे हैं। उनका ना कोई उनके पास पोलिंग बूथ अध्यक्ष था, ना उनका जो नाम आए हैं उनको प्रपोज और सेकंड करने वाला एक भी पोलिंग बूथ अध्यक्ष है, जो कि मैंडेटरी है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ आरोप ये भी लगाए हैं कि जो बूथ अध्यक्ष बनाए तो उनको किसी को सूचित नहीं, उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन होता है तो पार्टी करती है। ये लिस्ट जो है हमने पार्टी ऑफिस में जमा करा दी। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।